हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप यू आर एक्सट्रीमली वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड टिप्स। आज आप लोगों को बताएंगे जादवपुर विद्यापीठ नर्सरी एंड प्राइमरी एडमिशन फॉर्म कब मिलेगा, उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो आप लोग क्या करेंगे, गूगल क्रोम में चले जाएंगे। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है जादवपुर विद्यापीठ नर्सरी एंड प्राइमरी। देख सकते हैं जादवपुर विद्यापीठ jbnp.org पे आप लोग देख सकते हैं, jbnp लिखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप डेट दिया हुआ है, कौन सा डेट को आपको फॉर्म मिलेगा। तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग देख सकते हैं स्कूल के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका एड्रेस, स्कूल का एड्रेस। यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन, ये एक्चुअली प्राइवेट स्कूल है। ये आपको देखना है, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं एडमिशन का प्रोसेस, आप लोग कैसे एडमिशन करा सकते हैं। इस पर यहाँ पर आके आ जाएंगे। आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन के बाद यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 2022 के एडमिशन के लिए जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म है, आपको यहाँ पर डेट मेंशन किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म ऑन 4/7/2021 को दिया जाएगा। कितना बजे से कितना बजे तक यहाँ पर दिया हुआ है, 8 से लेकर 4 बजे तक दिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं सात तारीख को अगस्त मास 8वां महीना 2021 को दिया जाएगा। तो इस डेट को आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिस डेट को आपको दिया हुआ है उस डेट को आप फॉर्म ले सकते हैं। कौन सा क्लास के लिए, किसालय और नर्सरी के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर किसालय के लिए क्या क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम क्या क्या आएगा, आपको इसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखते हैं, सिंपल एडमिशन टेस्ट होगा आपका, एक एडमिशन टेस्ट होगा सिंपल, जो आपको यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ। तो आप देख सकते हैं किसालय क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपका सिलेबस आ जाएगा, जो दिया हुआ है उसी में से आता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं नर्सरी में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या आएगा यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, अब ये पढ़ के जाने से आपको एग्ज़ाम दे सकते हैं इसी तरीका से। तब देख सकते हैं फॉर्म का डेट, यहाँ पर 1 डेट 2 डेट 3 डेट 4 डेट 5 डेट दिया हुआ है। इस डेट को आपको पहुँच के फॉर्म लेना है टाइम के अनुसार, 9 बजे से 1 बजे तक। देख सकते हैं एंडिंग जो दिया हुआ 28/8 को 9 बजे से 1 बजे तक, 9 बजे से ऐसे कुछ दिया हुआ, 4 डेट 5 डेट दिया हुआ है। तो उस डेट को आप ले आएंगे। आपका जो जब आप एडमिट करना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आपका डेट ऑफ बर्थ, जो स्टूडेंट का आप एडमिशन कराना चाहते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2017 टू 31/12/2017 डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप एडमिशन कर पाएंगे। अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और नर्सरी के लिए डेट ऑफ फ्रॉम 1/1/2016 टू 31/12/2016 तक आपका इसके अंतर्गत डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए, रहता है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं या फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है और इस डेट को आपको स्कूल से कलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऑनलाइन आपको फॉर्म नहीं मिलेगा, ये ऑफलाइन फॉर्म है। इस डेट को आपको स्कूल से जाके आपको फॉर्म ले लेना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ट्यूशन फीस, कॉन्टैक्ट स्कूल अथॉरिटी, आपको एनुअल चार्ज भी यहाँ पर आपको लगेगा। आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म के में गर्ल्स के लिए क्या क्या है, नेवी ब्लू टॉनिक वाइट बेल्ट, ये सब जो दिया हुआ है ये समर के लिए है। और विंटर के लिए देख सकते हैं साइड में जो दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरीका से। बॉयज़ के लिए नेवी ब्लू शॉर्ट, जो जैसे लड़के लोग गर्ल्स के लिए है वैसे ही लड़के लोग के लिए भी है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये मॉर्निंग सेक्शन है, आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस डेट को पहुंच जाना है इजीली से, आपको यहाँ बता दिए हैं क्या क्या करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहले पहुँचे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।